प्रियंका चाहर चौधरी पर अगर आपको कोई एलिगेशन लगाना है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लगाइएगा। आखिर क्यों इस तरीके की बातें इस समय हो रही हैं प्रियंका चाहर चौधरी को लेकर, और क्या ओपिनियंस आ रहे हैं पब्लिक के इस बारे में, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है। और अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से भाई प्रियंका चाहर चौधरी, उनका जब से बिग बॉस का जर्नी ख़त्म हुआ है, इसके पहले उड़ारिया कर रही थी, और बिग बॉस का जब से उनका जर्नी ख़त्म हुआ है तब से कहीं ना कहीं एक हिसाब से कहा जा सकता है कि सुर्खियों में बनी हुई है, और सोशल मीडिया पर उसके बाद उनको एक अलग ही लेवल का क्रेज़, एक अलग ही लेवल की हाइप मिली। लेकिन दोस्तों मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, बिग बॉस के घर में ही उनके बहुत अच्छे दोस्त, और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा था कि भाई इनका साथ में कोई अफेयर चल रहा है, ऐसी भी अपडेट्स आई उनकी और अंकित की, यानी कि प्रियंकित की, हैशटैग प्रियंकित की। दोस्तों ये ऐसा बॉन्ड था जिसको बिग बॉस के घर में सबने पसंद किया, सबने अप्रिशिएट किया, और सबकी पॉजिटिव बातें ही निकली इन दोनों को लेकर। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो कि भाई कोई अफवाह फैला रहा था आज कि प्रियंकित की शादी हो रही है, होने वाली है, तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले किसी ने अपडेट फैलाई कि प्रियंका चाहर चौधरी अंकित गुप्ता टू गेट मैरिड दिस ईयर, जिसके बाद प्रियंका एक स्टोरी लगाती हैं, ये आप देख सकते हो, और उसमें लिखती हैं इट्स मार्च बट लगता है कुछ मीडिया पोर्टल्स का अप्रैल फुल जल्दी आ गया। इसके बाद इसको शेयर करते हुए किसने लिखा भी है, लोग करवा ली बेइज्जती, कुछ भी फेक न्यूज़ दे देते हैं ये आजकल के मीडिया वाले। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक हैशटैग भी चल रहा है, रब राखा प्रियंकित। फिर उसके बाद को लग रहा है भाई कुछ भी हो भले फेक न्यूज़ हो, बट हम तो ये असलियत में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर को लग रहा है कि भाई गजब है मीडिया वाले, ऑल मीडिया पोर्टल्स कैरीड द रूमर कॉपी पेस्टिंग आर्टिकल्स लाइक दे वर सो श्योर। उसके बाद किसने लिखा है कि भाई क्या ही है यार, उनको तो लगा था ये सच होगा। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।